चलो। तो बच्चा हम लोग देखो कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने कई टाइप आपको बता दिया है, ठीक है, सब कुछ सिंगल डबल डेट है और इसके अलावा कैलेंडर ऑफ रिपीटिंग ये सब चीज़ें बता दी हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी कैलेंडर चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं जो कि थियोरेटिकल फॉर्म में होते हैं, जो कि बेसिक सिर्फ आपके ब्रेन पर आधारित होते हैं। इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगना है, ठीक है, आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है उसी हिसाब से ये कोई भी बच्चा इसको लगा सकता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला भी अगर दिमाग उसका ठीक है तो, ठीक है, तो देखेंगे इसमें कैसा क्या कह रहा है। सुनिए, कह रहा है यदि पहला क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में है, क्वेश्चन नया टाइप आप मान सकते हैं, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर जो जितने भी हो गए हो, तो कैलेंडर में नए टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माह की, ध्यान सुनिए अब, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, क्या कह रहा है, माह की 9 तारीख, तो मान लो यो रविवार, देखो किसी में शांत हो जाओ, यो रविवार है, यो रविवार है, महीने की 9 तारीख रविवार, रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, तो रविवार से एक दिन पहले कौन होगा, इधर चलोगे तो पहले होगा कि इधर चलोगे तो पहले होगा। जैसे आज रविवार है तो आज के पहले वाला दिन पीछे वाला जो गुजर गया है वही तो होगा, नहीं बात समझ पाए। जैसे आज रविवार तो हमने कहा आज के एक दिन पहले, तो गुजरा हुआ दिन, पहले का मतलब गुजरा हुआ दिन, तो रविवार के एक दिन पहले कौन दिन होगा, शनिवार, नहीं शनिवार होगा, कन्फ्यूजन ठीक है कि नहीं। रविवार के एक दिन पहले, अगर पहले की बात करेंगे तो पीछे गुजरा हुआ, अगर बाद की बात करेंगे तो आने वाला, अरे बात समझो, बाद की बात करेंगे तो भविष्य वाला दिन, और गुजरा हुआ पहले की बात करेगा तो कह रहा, देखो क्वेश्चन पढ़िए, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, रविवार से एक दिन पहले जो पड़ रहा है वो 9 तारीख है उस दिन, तो यानी शनिवार को 9 तारीख है, ठीक है, शनिवार को कौन तारीख है, 9, तो पूछ रहा है तो पहले पड़ती है, तो बताएं कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 9 तारीख ये इस दिन है शनिवार, अब कहाँ तक पहुँचना है, 1 तक, तो इधर होगा 8, इधर होगा 7, 5, 4, 3, 2, 1, अब देख लो शनिवार है तो इधर चलेंगे तो शनिवार से घटता जाएगा, शनिवार के पहले कौन आता है, शुक्रवार, पहले पहले बाद नहीं पूछ रहे हैं, शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार के पहले रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, तो शुक्रवार होगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा होगा, शुक्रवार है, ठीक है, बात समझ पाए, तो ये हो जाएगा, नहीं समझ पाए, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो, तो ऐसे लग जाएगा, इसे काउंट कर लेंगे आप, पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं देना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हो, कैसे, दूसरा तरीका देखिए क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, यदि 9 तारीख को शनिवार है, यही तो है, 9 तारीख को शनिवार, तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा, यही तो पूछोगा है, यही तो पूछोगा है, यदि 9 तारीख को शनिवार है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कोई बात नहीं, टाइप का तो क्वेश्चन लगा चुके हैं आप, कैलेंडर बताई रहा तो घटा रखा, 8, 8 आ गया, अंतर लेते थे डेज का अंतर, 8 आ गया, अब इसके और डेज निकालने हैं तो 7 का भाग दे के और डेज निकालेंगे, 7 एकम 7, अंतर कितना, शेष फल कितना बचा, 1, 1 बचा, अभी शेष 1 का करना क्या है, 1 का क्या करना, देखो ये पूछा कहूँगा है, पहले वाला दिन दिया बाद वाला, पहले वाला पूछोगा, आज वाला दिया गया पीछे वाला पूछा गया, तो जब पीछे वाला पूछा जाए तो उसमें क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो शनिवार में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यही तो आएगा आंसर, तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ये वाला तरीका हम पहले सिखा चुके हैं ये अभी, ठीक है, तो इसको नोट कर लें पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरा भी बताते हैं, देखो तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया, क्या आया था, शुक्रवार, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा,
दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आज से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो कोई दिक्कत नहीं, ये मान लेते हैं आज है, ये आज है, आज से कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो 3 दिन बाद कह रहा है, तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आज से 3 दिन बाद, यानी इस दिन कौन था, मंगलवार, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, तो यो आज है तो बीता हुआ कल कौन हुआ, यो बीता हुआ कल यो हुआ ना, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले, यानी ये बीता हुआ कल है, बीता कल, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी ये वाला दिन आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। देखो आज ये मंगलवार है, इधर का चलियो, ये मंगलवार तो है, कौन दिन हुई है, मंगलवार से पहले सोमवार, पहले आप पूछ रहा है ना, मंगलवार से पहले सोमवार, फिर रविवार, फिर यानी आज शनिवार है, और शनिवार से इधर चलना, शनिवार की इधर कौन हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, पहले सोमवार, तो यानी आज जो है यहाँ पे इस दिन सोमवार होगा, ऐसे लगाना है इनको, तो सोमवार होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमवार, ठीक है, नोट करें, ठीक है, लगा लेंगे कि नहीं, चलो देखो अगला कह रहा है, वह दिन जो आने वाले कल, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, यू आज है, यू आज है, आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब ये वाला, यू कर वह दिन जो आने वाले कल, वह दिन जो आने वाला कल, तो आने वाला किन, यू हो गया, ये लिख लेना, आने वाला कल, आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल के 2 दिन बाद, क्या दिन बाद, एक है आने वाले कल के 2 दिन बाद, एक दिन, 2 दिन, एक है बाद आएगा, एक है बाद जो दिन आएगा, यानी वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, ठीक है, वो कौन है, गुरुवार, तो यानी ये वाला दिन कौन सा है, गुरुवार, ये वाला दिन कौन सा है, गुरुवार, फिर से देखो, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, तो वह दिन यू आज हो गया, यू आने वाला कल हो गया, इसके आने वाले कल के, आने वाले कल के 2 दिन, तो 2 दिन ही हो गए, ओके बाद में जो दिन आएगा वो कौन है, गुरुवार, तो वह गुरुवार है, तो बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, तो बीते हुए कल से, बीता हुआ कल हो गया, बीते हुए कल से काउंट करना है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, ये वाला दिन बताना है, कौन सा दिन था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो ये तो आज हो गया, तो देख लो अपना, ये गुरुवार है, गुरुवार के पहले चलिए तो कौन दिन है, बुधवार, बुधवार के पहले चलिए तो मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, हाँ फिर सर, देखो इसको थोड़ा सा देखिए, ये वाली लाइन सुनिए, इसमें कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या दिन था, तो बीता हुआ कल ये हमारा हो गया, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, कल से 3 दिन पहले, हाँ बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन तो ये हो गया, 1, 2, 3, अब ऐसे 1 दिन पहले कौन दिन लाए, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, बीते हुए कल से 3 दिन तो ये हो गए, अब ऐसे पहले कौन दिन लाए, तो ये वाला दिन हो जाएगा गुरुवार, और पहले हो जाएगा कौन, बुधवार, तो बुधवार इसका आंसर होगा, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा हो जाएगा, बुधवार, तो बुधवार हो जाएगा, कौन नंबर क्वेश्चन का आंसर, 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा बुधवार, ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, हम लोग दिया है यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो यदि आज जो है, आज गुरुवार है तो आज से 730 दिन बाद,
कौन सा दिन होगा? देखो अगर हम ही कह देते हैं आज गुरुवार है, तो आज से 14 दिन बाद कौन होगा, कौन दिन होगा? अगर ऐसे कह देते हैं तो तुम्हें पता है हर सप्ताह माह ठीक है 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद तो वही दिन रिपीट करा थी दिन, ठीक है बात समझ पा? 7 दिन के बाद फिर वही दिन रिपीट करा थी ना 8वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन वही दिन रिपीट करा थी। तो 7 7 का अगर काटा चले जाओ, निकाला चले जाओ, निकाला चले जाओ, तो गुरुवार गुरुवार आओ चले जाओ, तो क्या मतलब 7 से भाग दे दो ये माँ, 7 से भाग दे दो, कुछ कर दीजिए शेष बचिए हिसाब से दिन निकाल ले, तो 7 से भाग दो 730 माँ, 7 से भाग दो कई बार का 7 है कम 7 शून्य 3 आ जा गया, अब 3 आ गया तो भाग जाएगा क्या? नहीं, 0 फिर 0 7 चौक 28 शेष कितना बचा 2, तो मतलब देखो यहाँ पर 2 दिन बचा शेष, तो बाकी तो सब कट गए। अब यहाँ पे जो आया होगा इसके बाद 1 और 2 नहीं समझ पाए, देखो 730 है तो यहाँ से गिना चले आओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवां आठवां नवा दसवां ग्यारहवा, ऐसे चलते चले आओगे चलते चले आओगे, तो ये वाला जो दिन होगा ये वाला होगा 728वां, ये 729 और 730 ऐसे तो होगा, तो जो 728वां है यानी 728 तक पूरे 7 से कट जा रहे हैं, तो का मतलब ये वाला 728वां दिन कौन होगा? गुरुवार। तो ये वाला कौन होगा? तो यानी गुरुवार में 2 जोड़ दोगे सीधा, बस शनिवार आ जाए गुरुवार में, नहीं समझ पाए? 7 7 का मल्टीपल पूरा होता जा रहा है कि नहीं? तो 7 7 के जब मल्टीपल होते जा रहे हैं तो उसको पूरा निकाल लेंगे, 728वां दिन भी हमारा गुरुवार होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे एक दिन फिर जोड़ेंगे, तो गुरुवार में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, और एक दिन और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर इस दिन में हो जाएगा शनिवार। 730 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? शनिवार। 730 दिन बाद, अच्छा बाद लिखा हुआ, 730 दिन बाद, 30 दिन, 730 दिन है यानी इस दिन हो जाएगा कौन सा? शनिवार। और फिर एक है बाद, 730 दिन बाद, ठीक है यार 730वां दिन कौन होगा? तब होता शनिवार, और 730 दिन बाद कह रहा है यानी एक दिन और छोड़ देना, तो हो जाएगा कौन? शनिवार के बाद एक रविवार, यानी रविवार हो जाएगा, ठीक है बाद बोला है ना, तो 730 दिन बाद, ठीक ठीक। तो यहाँ पर ये 730 दिन बाद, 730वां दिन होगा शनिवार, और उसके एक दिन बाद कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रविवार। आगे देखोगे क्लियर, ठीक है आगे देखो, यदि आज से 2 दिन बाद रविवार हो, तो आज से 8 दिन पहले कौन सा वार था? एक नोट कर लो, फिर एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं उस तरफ, ठीक है इतना नोट कर लो, बढ़ा देने का, चलो करो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आज से 2 दिन बाद रविवार हो, आज से 2 दिन बाद, यो आज है, एक काउंट करो, ये पहला, आज से 2 दिन बाद पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन बाद कौन दिन हुआ? रविवार। देखो यदि आज से, आज यू है ऐसे 2 दिन बाद, 1 2 एक ही 2 दिन बाद कौन है? रविवार। रविवार हो तो आज से 8 दिन पहले कौन सा वार था? यानी आज से, यानी यहाँ से काउंट करो, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, तो आज से 8 दिन पहले कौन सा वार था? आज से 8 दिन पहले कौन सा वार था? ठीक है, तो आज यू हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, एक अकाउंट कर, आज से कह रहा है ना, तो इसे काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 8 दिन पहले कौन सा दिन था? 8 से 8 दिन पहले पूछ रहा, तो एक दिन वो काउंट करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो रविवार, फिर देखे पहले कौन? शनिवार, फिर देखे पहले कौन? शुक्रवार, फिर देखे पहले कौन? हैं, गुरुवार, फिर बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार, यानी इस दिन हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बार बार, एक दो बार देख लेना है, बाकी कैलेंडर का जो पोर्शन लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो हम आपको कल बता देंगे, ठीक है, उसके बाद कैलेंडर हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो देख लें इसको पूरे क्वेश्चन, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, तो आप जो है उनको लगाते रहना।